अब तक न्याय यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन अब अन्याय यात्रा निकाली जाएगी। बिल्कुल सही सुना है आपने, जेएमएम हेमंत सोरेन को लेकर न्याय यात्रा पर है इन दिनों। लेकिन अब जेएमएम के ही लोबिन हेमरम अन्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। उनका सीधे सीधे कहना है, आपको भी सबको पता है ये कि लोबिन हमेशा से मुखर रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर, और पिछले कुछ दिनों में उनके बगावती तेवर सभी ने देखे हैं। लेकिन अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अब सीएम जो रहे थे हेमंत सोरेन, उन्होंने जो नीतियां बनाई थी मूलवासियों और आदिवासियों को लेकर, वो सिर्फ ठगा गया था उन्हें, और इसलिए अब वो उन नीतियों के खिलाफ, उन फैसलों के खिलाफ अन्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता चाहिए, अगर ये डिमांड रहा, तो राजमहल से वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ने को तैयार हैं, अगर स्थितियां वैसी बनती हैं तो। कुल मिलाकर ये कि परेशानियां जेएमएम के लिए बढ़ने वाली हैं। सामने लोकसभा चुनाव है, और अगर घर का झगड़ा जल्द नहीं सुलझाया गया तो इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में पार्टी को भुगतना पड़ सकता है।